स्वाभाविक रूप से जब नई सरकार बनती है तो नई सरकार बनने के बाद कुछ कामकाज की दृष्टि से नए इनिशिएटिव्स की उम्मीद भी लोगों को होती है और सरकार को नई सोच के साथ नए तरीके से काम की शुरुआत करनी भी चाहिए। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी उस दिशा में प्रयत्न हुए हैं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि कार्य संस्कृति की दृष्टि से अगर मुझे हिमाचल प्रदेश में अगर अपनी बात कहनी है तो एक स्थापित परंपरा पिछले कई दशकों से बनी थी। सरकार नई बनती थी, पहला काम पूर्व सरकार के कुछ फैसलों को रद्द करना, पूर्व सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, कार्रवाई की बात कहना, ऐसी बातों से शुरुआत होती थी। और हिमाचल प्रदेश में जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ तो हमने कहा कि इस परंपरा को बदलने की आवश्यकता है। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और ऐसी परिस्थिति में यह संस्कृति जो बदले की भावना से राजनीतिक बदले की भावना से काम करने की, इस संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया। हमने कहा कि हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं होगा, हमारी कैबिनेट का पहला निर्णय बदले की भावना के साथ निर्णय नहीं होगा। उस दृष्टि से हमने एक शुरुआत की, हमारी कैबिनेट का निर्णय हिमाचल प्रदेश के उन बुजुर्गों के लिए समर्पित रहा जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा, जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को समझा और जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से इस दुनिया को देखकर हम आगे बढ़े। हमने हिमाचल प्रदेश में 70 साल की आयु के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और आज भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर पेंशन की उस सुविधा को हमने आगे बढ़ाया तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है 5,70,000 को हम पेंशन दे रहे हैं और उसमें 70 साल से आयु के अधिक जो हैं लगभग ये आंकड़ा 3,00,000 के लगभग 3,97,000 से ज्यादा जो है ये आंकड़ा उन वृद्ध जनों के लिए रहा। यानी कि पहला निर्णय न राजनीतिक, पहला निर्णय न बदले की भावना से, पहला निर्णय उन बुजुर्गों के लिए समर्पित हिमाचल प्रदेश में किया। एक नई शुरुआत जिसको मैं कह सकता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके नए इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, नए इनिशिएटिव की दृष्टि से हमें लगता था कि हिमाचल प्रदेश में हमारे गांव के लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए शहर में आना पड़ता।